राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज अपने सिरमौर दौरे के दौरान माजरा में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यदि छात्रों का चरित्र निर्माण होगा तभी वे राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभा पाएंगे। चरित्र निर्माण के संदर्भ में जो विद्यालय पिछड़ जाता है वह आमदनी के क्षण में आगे बढ़ जरूर सकता है लेकिन धीरे धीरे अपनी अस्मिता को खो देता है। हमें इस बात को देखना है कि आज मन की बात में जब पद्म पुरस्कारों की बात आई तो बात यह नहीं आई कि पद्म पुरस्कार हमें उसे देना है जिसने 98% प्राप्त किया है, बल्कि पद्म पुरस्कार उसे भी मिला जो पेड़ों की रक्षा करने का काम कर रहा है, और पद्म पुरस्कार उस श्यामू मुर्मू को भी मिला जिसने एक दो नहीं 28,000 लोगों को रोजगार देने का काम। वार्षिक समारोह से पहले राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। इस दौरान राज्यपाल के साथ विधायक सुखराम चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल समेत कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।